मानव समाचार मानवता के हक में। ये सुलेमानी चौक से लेके जूना आज़ाद नगर तक, जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेके तवक्कल मस्जिद तक, तवक्कल मस्जिद से लेके बापू गांधी नगर कपड़ा मार्केट जमूर नाला तेठ जमूर नाले तक। पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक खुश है कि रास्ते के दोनों तरफ पे का अतिक्रमण निकल रहा है। अतिक्रमण के साथ साथ जो मुख्य नाले और गटर है उसके ऊपर का जो लोगों ने अपने व्यावसायिक रूप के अंदर जो ताम झाम बढ़ा के रखा था वो भी निकल रहा है। लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं हो रही, रास्ते चौड़े हो रहे। स्कूल के जो भी बच्चे रोज के पैदल चलने वाले महिला पुरुष जो भी है सभी को यानी कि रास्ते मोकले दिखाई दे रहे हैं और पब्लिक इसका सहकार्य कर रही है। जो दुकानदार जो लोगों ने अतिक्रमण किया है वो भी कुछ लोग अपने हाथ से अपना अतिक्रमण खुद में खुद निकाल ले रहे हैं, लेकिन कई जगह पर हमारे को थोड़ी सी अड़चन निर्माण हो रही है। तो वहाँ पर हम कायदे मुताबिक जो हमारे को कार्रवाई करना है वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ये सब पूरी मुहिम करने के बाद में गश्ती पथक ये पूरे मालेगांव शहर के अंदर घूमेगा और जो जगह का अतिक्रमण निकाल चुके और वो जगह पर अगर फिर से कोई व्यवसायिक अगर अपना अतिक्रमण कायम स्वरूपी वहाँ पर फाउंडेशन बना के रखता है तो वो इसी तरीके से तोड़ करके जब्त किया जाएगा और उसके बाद में उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दंड वसूल किया जाएगा कारपोरेशन के माध्यम। ये अभी जब तक पूरा जो मुख्य नाले और मुख्य रास्ते जब तक पूरे मोकले नहीं होते तब तक ये कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेंगी। पब्लिक के लिए जो आने जाने के लिए पानी के निकालने के लिए जो गटर है ये है, ये जिसके ऊपर लोगों ने बेमतलब का अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण निकालना अभी हमने शुरू किया है। कि अतिक्रमण निकाल रहे हम, हमारी लोगों से यही अपील है कि मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन को सहकार्य करे और कोई भी कार्रवाई के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी चीज़ का ऐसा मन में न लाते हुए प्रशासन को सहकार्य करे और अपना अतिक्रमण खुद में खुद निकाल लेवे, जेने करून हमारा गांव और हमारी सड़कें और रास्ते गलियां मोकली रहेंगी। कारपोरेशन को सहकार्य करे, धन्यवाद। नहीं, अभी तक के तो शहर के लोग भी अपने सहकार्य कर रहे हैं, कई जगह पे कुछ बातों को लेके थोड़ी सी अनबन होती है तो कहीं भी हमारे को ऐसा लगा नहीं कि हमारे अपने लोगों पे 353 या शासकीय कोई कलम कायदे का उनके ऊपर एक्शन लेना। हमारा सिर्फ यही बोलना है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है हमारे को सहकार्य करे, मतलब कायदेशीर सख्ती और दंडात्मक और फौजदारी कार्रवाई करने की हमारे को भी आवश्यकता ना पड़े।